सबको मेरा नमस्कार। मैं टू शेम दुर्गी बेलगाम से कर्नाटक स्टेट। मेरा काव्य नाम अंकुश दुर्गी है। मैं 4 लैंग्वेजेस में बहुत सारे वीडियोस बना के दे रहा हूँ, कन्नड़, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, 4 लैंग्वेजेस में। अभी मैं एक आपको मैथ्स में बेसिक ऑपरेशन, जो भी मूलभूत प्रक्रिया होती है ना मैथ्स में, उसके बारे में एक विशेष वीडियो बना के दे रहा हूँ। ये वीडियो आपको गणित में स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते जाने का, कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे आगे बढ़ने में कौन से प्रक्रिया करना पड़ता है, उसी का एक स्पेशल मॉडल है, एक उदाहरण है। तो खास करके कोष्टक में देखिए, कोष्टक के वैसे तो बहुत सारे प्रकार है, लेकिन गणित में, मैथ्स में 4 प्रकार के प्रमुख कोष्टक होते हैं। और भी कुछ कोष्टक होते हैं, लेकिन गणित में स्टेप बाय स्टेप इजीली जाने के लिए 4 प्रमुख कोष्टक होते हैं। वो है, एक पहला रेखा कोष्टक, दूसरा छोटा कोष्टक, तीसरा मझोला कोष्टक और चौथा बड़ा कोष्टक। ये चारों जब जब एक साथ आते हैं तो उनको क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते जाना पड़ता है। और एक ध्यान में रखना, इन कोष्टकों का जो भी स्टेप्स सही ढंग से हम पढ़ाई करने के बाद आंसर, जिसका जवाब एक सिंगल स्टेप में दे सकते, तो स्कूल कॉलेज इसमें स्टेप्स तो जरूरी है, लेकिन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, हर एक एग्जाम में लगभग नियरली 100% 100% सभी एग्जाम्स में एक गणित का पेपर कंपलसरी रहता है। उस पेपर में मींस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पेपर्स में उधर स्टेप्स की आवश्यकता नहीं होता, तो सीधा आंसर की आवश्यकता होती है। स्कूल कॉलेजेस में और स्कूल कॉलेजेस के संबंधी जो भी पेपर्स रहेंगे उसमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, लेकिन सब के सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उधर स्टेप्स की जरूरत नहीं होती। उसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर जरूरत होती है। इसीलिए मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जाने का डिटेल में आपको मैं तरीका भी बताऊंगा। उसके बाद में इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक बताऊंगा, मेरा खुद का टेक्निक है। जस्ट सेकंडों में आप किसी भी बड़े बड़े प्रॉब्लम का या गणित का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, जस्ट क्षण क्षणों में। मेरा खुद का एक तरीका है, आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। मेरा जो YouTube चैनल है अंकुश दुर्गी, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आप आज तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस कीजिए और सब वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस आप फॉलोअप करके देख के आपको जो कोई भी लाइक होंगे, मुझे आशा है कि आपको
ए टू जेड वीडियोस लाइक होंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस आपके बना के दे रहा हूँ ये बहुत यूजफुल वीडियोस हैं। हर एक वीडियो स्पेशल नॉलेज आपको देंगे, इसीलिए प्लीज आप खुद का ही नॉलेज डेवलपर के ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्राइमरी, हाई स्कूल या कॉलेज, किसी भी लेवल के होने दो, किसी भी सब्जेक्ट के रहने दो, किसी भी मीडियम के रहने दो, सभी को मेरे वीडियोस प्लीज शेयर कीजिए और आगे आगे शेयर करने को उनको रिक्वेस्ट कीजिए। हर कोई इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा YouTube चैनल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा YouTube चैनल का नाम है अंकुश दुर्गी, जस्ट ओनली टू वर्ड्स। ओके, नाउ अब हम ये कोष्टक के प्रकार और उनके स्टेप्स के बारे में जानने के लिए इधर मैं एक मॉडल लेकर आया हूं। चलिए अब देखते हैं वो मॉडल क्या है। यस कम ऑन, देखिए इसमें लास्ट में मैंने इधर लिस्ट आउट किया हूं स्टेप बाय स्टेप, एक एक कोष्टक इधर मैंने लिखा है और जैसे मैंने लिखा है उसी क्रम में वो कोष्टक गणित में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाने का है। यस कम ऑन, देखिए ये जो लाइन है इसको रेखा कोष्टक कहते हैं, इंग्लिश में इसको लाइन ब्रैकेट्स कहते हैं। और ये है ना, ये किसी भी नंबर के ऊपर रहता है, नंबर नंबर्स के ऊपर। यस, और बाकी सब कोष्टक नंबर्स के आगे और पीछे रहते हैं, मींस साइड बाय रहते हैं, साइड बाय साइड रहते हैं। यस कम ऑन, ये हो गया रेखा कोष्टक यानी लाइन ब्रैकेट। दूसरा है छोटा कोष्टक यानी सिंपल ब्रैकेट, इंग्लिश में हम कहते हैं। और तीसरा है मझला कोष्टक यानी फ्लावर ब्रैकेट, इंग्लिश में। और आखिर में यह है बड़ा ब्रैकेट, मींस बड़ा कोष्टक, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए जैसे मैंने इधर लिखा है उसी क्रम में उनको सॉल्व करते जाने का है, मींस किसी भी प्रॉब्लम में, सॉल्यूशन में सर्वप्रथम हमको रेखा कोष्टक सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में छोटा ब्रैकेट यानी छोटा कोष्टक, और नेक्स्ट उसके बाद ये मझला कोष्टक ओपन करना पड़ता है या सॉल्व करना पड़ता है, और आखिर में हमको ये बड़ा कोष्टक यानी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक स्पेशल इधर एग्जांपल लिया हो, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे आगे जाके जवाब या उत्तर निकाल सकते। बस आपको जिस जो स्टेप्स है ना उनको फॉलो करना चाहिए, स्टेप्स को समझना पड़ेगा। तो एक मॉडल या एक दो उदाहरण आप सही ढंग से सुपर प्रॉपरली आप सही ढंग से स्टडी किया ना, तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आप बहुत सारे उदाहरण छुड़ा सकते हैं। एक सिस्टमेटिकली एक देखिए तो आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले सकते हैं। यस कम ऑन, इसमें 25 फर्स्ट दिया हुआ है,
और इधर प्लस है। नेक्स्ट इधर बड़ा कोष्टक है, बाद में नंबर 8, 8, ये प्लस 7 यानी 7। नेक्स्ट इधर मझला कोष्टक है, बाद में इधर 4 + 6 मींस 4 + 6। नेक्स्ट माइनस है, नेक्स्ट छोटा ब्रैकेट छोटा कोष्टक, नेक्स्ट 3 + 5 - 2 और ये 5 और 2 के ऊपर रेखा कोष्टक है, ये आपको सही ढंग से फॉलो करना चाहिए। इधर रेखा कोष्टक है, बाद में इधर छोटा कोष्टक कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में मझला कोष्टक कंप्लीट हुआ है और बाद में ये -4 है, -4 और अंत में लास्ट में ये बड़ा कोष्टक कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए अभी इस प्रॉब्लम में हमको ये रेखा कोष्टक का फर्स्ट स्टेप में ओपन करना चाहिए, रेखा कोष्टक को छुड़ाना चाहिए, ये कम हो, बाकी जो भी नंबर्स है और जो भी चिन्ह है वो जैसे से वैसे रखना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए इधर ये बराबर का चिन्ह इक्वल्स 25 25, दिस इज प्लस एंड दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा कोष्टक, बाद में ए 8 + 7 8 + 7 देन मझला ब्रैकेट, देन यर 4 + 6, नेक्स्ट माइनस ए छोटा कोष्टक, इसमें ए 3 जैसे कि वैसे रखना, कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है, और ए प्लस प्लस इधर अब देखेंगे। देखिए इधर ये रेखा कोष्टक है ना, इसके अंदर 5 और 2 यानी +5 - 2, इनमें 5 में से 2 माइनस करना चाहिए, घटाना चाहिए, मींस बाकी रह गया 3। और एक कोष्टक है ना, कोष्टक ये ओपन हो गया, रेखा कोष्टक, और ये जो बाहर ये कोष्टक रहता है ना कोष्टक, इसके बाहर ये प्लस चिन्ह है, ये कोष्टक इधर 5 को रहता है 5 को, और ये माइनस रहेगा तो ये जो भी चिन्ह आएगा ना वो माइनस होगा, मींस चिन्ह उल्टा होगा, यदि इधर माइनस है तो अंदर का प्लस है तो माइनस होगा, और अंदर का माइनस है तो दोनों माइनस माइनस इनटू माइनस प्लस होंगे, जैसे मैंने आपको इसके बहुत सारे बेसिक ऑपरेशंस में चिन्हों का मैंने नियम बताया है, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ओके, अब इस फर्स्ट स्टेज में ये रेखा कोष्टक ओपन हो गया, फिर इधर छोटा कोष्टक, बाद में ये मझला कोष्टक, और अंत में -4 एंड बड़ा ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। ओके, नाउ लेट अस कम हियर नेक्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेज देखिए, इधर इक्वल्स इक्वल्स 25 25 एज इट इज, देन प्लस बड़ा कोष्टक, ए 8 8 + 7 + 7। अब ए भी कोष्टक मींस मझला कोष्टक वैसा ही रखने का, जैसा है वैसा ही रखने का, फिर इधर 4 + 6 इधर ले लेंगे। नाउ अब देखे इधर ये 3 और 3 6 हो गए, और इसके बाहर माइनस है, मीन्स जब भी कोष्टक रहता है
वो गुना के रूप में लेना चाहिए, मीन्स इधर माइनस इंटू प्लस, ये माइनस हो गया, इधर माइनस छ होगा। जब ये छोटा कोष्टक हम निकालेंगे वो भार जो भी चिन्ह रहेगा उसके साथ उनका गुना होगा, यस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, दिस इज माइनस सिक्स। अब ये छोटा ब्रैकेट निकल गया। नेक्स्ट ये मझला कोष्टक और ये माइनस फोर और बड़ा कोष्टक। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब दो कोष्टक निकल गए, पहले स्टेप में रेखा कोष्टक और दूसरे स्टेप में गोल कोष्टक यानी छोटा कोष्टक। यस कम ऑन नाउ इक्वल्स हियर। अब ये जो भी 20 माइनस इक्वल्स 25 है, ये 25 एज इट इज प्लस एज इट इज, देन ये बड़ा कोष्टक और ए प्लस सेवन, एट जैसे कर तैसा लेना, इधर वैसा ही लेना। और इधर देखिए अब ये सेवन है ना, सेवन ये सात, ये मझला कोष्टक के साथ इधर मल्टीप्लिकेशन है इसका, इसीलिए पहले एक कोष्टक चालू करके लेना चाहिए, जो भी घटाना है या जोड़ना है वो करके लेना चाहिए, जोड़ना और घटाना इस कोष्टक के अंदर के नंबर्स। इधर प्लस सिक्स है और माइनस सिक्स है, दोनों को काटना चाहिए और बाकी रह गया ये चार और ये सात, ये मझला कोष्टक के भार है। मैंने बताया आपको जब भी कोष्टक आता है तब गुना करना चाहिए, मीन्स इधर प्रोडक्ट करना चाहिए, ये सेवन इंटू फोर दिस इज 28, सेवन इंटू फोर 28, ये दो तो गए, इसीलिए अब ये मझला कोष्टक ओपन हो गया, निकल गया और इधर बाकी रह गया माइनस फोर, ये माइनस फोर और ये बड़ा कोष्टक स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में अब ये इक्वल्स 25 जैसा कि वैसा ही लेना 25, बाद में ए प्लस, ए प्लस और अब बड़ा कोष्टक में जो जोड़ना और घटाना है वो करना चाहिए। देखिए ये अब ये दोनों को जोड़ना चाहिए, मीन्स 8 प्लस 28 ये दोनों मिलके 36 होंगे और उसमें से ये चार घटाना चाहिए, चार फोर माइनस करना चाहिए, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट ये ओपन हो जाएगा, निकल जाएगा, मीन्स 28 प्लस 8 36 माइनस 4 मीन्स 32, ये प्लस 32, इधर प्लस है, अंदर का ही प्लस है और ये प्लस 32 और बाद में इन दोनों को जोड़ना चाहिए। देखिए इधर ये दो और ये पांच दोनों मिलके हो गए सात और ये तीन और ये दो, ये दोनों मिलके पांच हो गए, मींस हमारा जवाब ये 57 है, 57 दिस इज द फाइनल आंसर। ओके देखिए हमने क्या क्या किया, इधर पहले स्टेप में इधर रेखा कोष्टक चालू करके लिया, मीन्स पांच में से दो निकाले, माइनस के करने के बाद तीन आया और इस स्टेप में क्या किया, ये तीन और तीन ये जोड़ने के बाद ये प्लस सिक्स आया, लेकिन बाहर माइनस है इसीलिए बाहर माइनस सिक्स हो गया, यानी ये छोटा कोष्टक निकल गया। और नेक्स्ट इस स्टेप में प्लस सिक्स और माइनस सिक्स इन दोनों को काट दिया और चार रह गए, ये सात से इसको मल्टीप्लिकेशन करना, गुना करना, इस गुना करने के बाद ये आया प्लस 28
और ये माइनस फोर रह गया और ये भी कोष्टक यानी मधला कोष्टक निकल गया और अंत में इस बड़ा कोष्टक निकलने के बाद इसमें जोड़ने और घटाने के बाद हमको मिला 32 और अंत में ये दोनों मिला के इधर 57 हो गया। यही एकमात्र सही प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप आंसर ढूंढने में और यही तरीका फाइनल तरीका है और टोटली परफेक्ट प्रोसीजर है। इसमें यदि कोई चेंजेस हो गया तो आंसर मोस्टली रॉन्ग होगा, सही नहीं मिलेगा। इसीलिए कोई भी सवाल होने दो, कोई भी गणित होने दो, यदि कोष्टक आपको ओपन करना है तो इसी प्रोसीजर में आपको जाना पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। बस एक उदाहरण आप सही ढंग से पढ़ाई कीजिए, सही ढंग से समझ लीजिए या किसी को समझने में आप हेल्प कीजिए तो आपका मैथ्स है ना वो सुपर सुपर बन जाएगा। आप मैथमेटिक्स के सुपर स्टूडेंट बन जाओगे, अच्छा विद्यार्थी बन जाओगे, स्टूडेंट बन जाओगे। यस कम ऑन। अब मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था कि मैंने अंत में एक टेक्निक बता रहा जिसके सहायता से जस्ट सिंगल सिंगल स्टेप में यानी बहुत ही कम समय में सेकंड में आपको आंसर मिलेगा और वो टेक्निक आपको हर एक कॉम्पिटिटिव में यूज होगा। उसके साथ साथ आपके जो भी स्टेप्स रहेंगे ना स्टेप बाय स्टेप स्कूल कॉलेज में मेथड जिसको हम मॉडर्न मैथ्स कहते हैं, सिलेबस मैथ्स या मॉडर्न मैथ्स, उसमें आंसर बैलेंसिंग करने में आपको बहुत मदद मिलेगा। इसका वो तरीका मैं बताता हूँ अभी। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये तरीका, ये हर एक को सही ढंग से फॉलो करना चाहिए। यस कम ऑन। देखिए इधर देखो एक ही स्टेप में सेकंड सेकंड में आंसर आपको मिलेगा। वो टेक्निक इधर मैंने आपको बता रहा हूं, मेरा एक खुद का टेक्निक है। यस कम ऑन। देखिए इधर क्या करने का, फर्स्ट इसी एक ही लाइन में फर्स्ट स्टेप में ही क्वेश्चन में ही इधर पांच और ये दो का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए मींस रेखा कोष्टक का सॉल्यूशन इधर यानी इसका इसको ओपन करना चाहिए। मींस पांच में से दो गए, तीन बच गए। ओके और वो तीन और ये तीन जोड़ने के बाद प्लस सिक्स हो गए। इसमें घटाने के बाद वो रेखा कोष्टक निकल गया और ये तीन और ये तीन जोड़ने के बाद वो छोटा कोष्टक भी निकल जाएगा। देखिए ये निकल गया और ये आएगा, ये मिला माइनस सिक्स और ये प्लस सिक्स, इनको दोनों को काटना चाहिए। ओके इधर रह गया सिर्फ चार और ये चार और ये सात का गुना करना चाहिए और ये गुना करने के बाद हमको मिलेगा ये 28 यानी इधर मिला है हमको, इधर लेके 28 मिला है। ओके ये 28 हो जाएगा, 28 में 8 और ये 8 36 हो जाएंगे और उसमें ये माइनस करना चाहिए बड़े कोष्टक में तो ये 32 हो गए यानी डायरेक्टली हम इधर आ गए 32 और ये 25 इनको जोड़ने के बाद हमको 57 मिलेगा। देखिए कंफ्यूज मत होइए, फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको। यस कम ऑन। ये मेरा खुद का एक स्पेशल टेक्निक है। देखिए ये 5-2 3 फर्स्ट कोष्टक निकल गया,
ये 3 + 3 = 6, 6 हो गया, -6 यानी दूसरा कोष्टक ही निकल गया। और ये -6 और ये +6 काटने के बाद इधर सिर्फ 4 रह गए, ये 4 और ये 7 ए 28 हो गए गुना, और ये -4 यानी ये मझला कोष्टक भी निकल गया। अब बाकी बच गया, इधर सिर्फ बच गया बड़ा कोष्टक, इसमें क्या करने का, 8 + 28 - 4 मीन्स इन सबको छुड़ाने के बाद हमको मिलेगा जस्ट 32, दैट इज योर एंड 25 + 32 = 57। देखो ये बहुत बढ़िया तरीका है, सुपर टेक्निक है। आप किसी भी प्रॉब्लम में डायरेक्टली आंसर ढूंढ सकते हैं, आपको आंसर मिलता है जस्ट सेकंडों में। और यही तरीका मैं हर एक प्रॉब्लम में आपको बता दूंगा, ये बहुत सारे मेरे ऐसे टेक्निक्स है जिससे मैथ सुपर सुपर आप अंडरस्टैंडिंग कर ले सकते हैं। और एक बात याद रखना, यदि आपका मैथ्स इंप्रूवमेंट हो गया मीन्स आपका जो भी फंडामेंटल्स बेसिक थिंग्स आप सही ढंग से पढ़ाई किए तो मैथ्स सुपर इम्प्रूवमेंट होगा। यानी जो भी बेसिक थिंग्स है ऐसे स्टेप्स है, देखिए आपका ब्रेन इसमें बहुत सारे प्रक्रिया में कॉन्सेंट्रेट होता है, गणित यानी ब्रेन का ए बूस्टर है, ब्रेन को ए बूस्टिंग करता है, ब्रेन को एक्सरसाइज करता है। इसीलिए यदि आप ऐसे बहुत सारे बेसिक्स ऑपरेशंस यानी मूलभूत प्रक्रियाएं गणित में आप सही ढंग से फॉलो किया तो आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलता है, यानी हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिलता है जिससे ब्रेन यानी हमारा जो भी सोचने का तरीका है ना वो सुपर फास्ट हो जाता है, ब्रेन सुपर फास्ट हो जाता है। इससे आपका मैथ्स सुपर इम्प्रूवमेंट होगा और ब्रेन का इम्प्रूवमेंट खूब बहुत बहुत अच्छा होगा। इसीलिए आपको गणित किसी भी हालत में प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा मत समझिए ये गणित बहुत टफ है, अंडरस्टैंड नहीं हो सकता, या अंडरस्टैंड हो भी गया तो भी बहुत दिनों तक हमारे पास नहीं रहता, दिमाग में नहीं रहता, ऐसा मत सोचिए। हमारा ये दिमाग है ना, ये ब्रेन है ना, ये बहुत 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 पावरफुल है, जस्ट हमको इसको ट्रेन करना चाहिए, इसको एक्सरसाइज मिलना चाहिए। और ब्रेन को एक्सरसाइज देने में ये गणित विषय सबसे अच्छा काम करता है। इसीलिए ब्रेन डेवलप इम्प्रूवमेंट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली हर सब्जेक्ट इजीली अंडरस्टैंड कर ले सकते हैं। अच्छा, इसीलिए आप मेरे सब वीडियोस फॉलो कीजिए, आप खुद भी इम्प्रूवमेंट कर ले सकते हैं और दूसरों को भी आप इम्प्रूवमेंट करने में, खास करके गणित में और उसके साथ साथ बाकी विषयों में आप सुपर इम्प्रूवमेंट कर ले सकते हैं। इसीलिए गणित एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसके सहायता से, जिसके कारण हमारा ब्रेन पावरफुल हो जाता है, और ब्रेन पावरफुल हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे बाकी सब सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स सभी बाकी ए टू जेड जो भी हमारे विषय रहेंगे वो सब अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली हमारा स्टडी लेवल है ना वो सुपर सुपर हो जाता है। खुद को आप कम मत आकिए,
हर कोई सुपर इंटेलिजेंट रहता है। मेरा एक स्लोगन है, नोबडी इज डल एंड नो सब्जेक्ट इज टफ। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान सुपर इंटेलिजेंट है और हर एक विषय, कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता। इसीलिए आप सुपर इंटेलिजेंट भी है और सब विषय सिंपल है, यानी कोई विषय कठिन नहीं है, इतना मान के चलिए और उसके उसी हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, गणित प्रैक्टिस कीजिए, उसके साथ साथ बाकी सब सब्जेक्ट भी अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। और इन सब के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अंकुश दुर्गी, वो आपको बहुत बहुत मदद करेगा। इसीलिए जब आज तक जो भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी अंकुश दुर्गी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल कीजिए और सब वीडियोस फॉलोअप करके, ऑब्जर्व करके, अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी लाइक होंगे उनको लाइक करके सब आप ले अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स फ्रेंड्स और टीचर स्टूडेंट्स जो भी आपके कांटेक्ट में सभी को शेयर कीजिए। अपना खुद का ही नॉलेज बढ़ा के ले लीजिए और दूसरों को नॉलेज बढ़ाने में प्लीज़ आप मदद कीजिए। अच्छा, मैं इतना आपसे गिनती करके इधर रिक्वेस्ट करके ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। मैं इसी का नेक्स्ट स्टेप अगले वीडियोस में मैं दे रहा हूँ, उसका नाम है बिड मास और बोर्ड मास थ्योरम। उसमें एक कोष्टक भी आएंगे और बहुत सारे चिन्हों का खेल भी मिलेगा, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं बेसिक थिंग्स दे रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं आपके सिलेबस के मैथ्स में सॉल्व करके दे दूँगा। अच्छा, ये बेसिक थिंग्स है ना, ये कभी भी आप मत कम आकिए। एक एक बेसिक थिंग्स से आप हजारों लाखों करोड़ों बहुत सारे अनलिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर ले सकते हैं। अच्छा, मैं इधर ये वीडियोस क्लोज कर रहा हूँ, फॉलोअप कीजिए और सभी को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते, सबको नमस्कार।